तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच करने वाला हूँ कवर, जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन लीग का, वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स वर्सेस वेस्टर्न यूनाइटेड के बीच 1:54 के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी गाइस मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और ये हैं प्रीवियस मैचेस के स्क्रीनशॉट्स, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त विनिंग हुई है, इट्स लिटरली अमेजिंग विनिंग। और आपको बता दूं तो ये है प्रीवियस मैचेस के स्क्रीनशॉट्स, जिसमें कि बहुत, मतलब आपको मैं बता ही चुका हूं। तो चलते हैं आगे। बात करूं मैं इस मैच की, तो ये जो मैच होने वाला है, इसमें सिंगल साइडेड टीम चलने के थोड़े कम आसार हैं, जिस कारण मैं सिंगल साइड नहीं जा रहा। तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और ऐसा इसके पीछे क्या कारण है, अभी आपको सब पता चलेगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करूंगा मैं गोलकीपर की, डी मार्गश। एज यू नो कि डी मार्गश हर टीम के आगे एक बढ़िया परफॉर्मेंस देना जानता है, और खेलता भी हर मैच में अच्छा है। यहाँ तक कि इन दोनों टीम्स के बीच मैच हुआ था 7 मार्च को, जिसमें कि इस प्लेयर ने नॉर्मली विद अ क्लीन शीट 6 गोल सेव किए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है सिडनी वांडरर्स के लिए। लेकिन वो बात थी 1 महीना पुरानी, और आज उस बात को आई थिंक 2 महीने हो गए हैं। और आगे से बात करूं डिफेंडर की, सी पेन को लेने वाला हूं। सी पेन इज़ नॉट ए डिफेंडर, लेकिन अब आप सोच रहे होगे अगर डिफेंडर नहीं है तो आपने इसको अपनी टीम में क्यों ले रखा है। सी पेन को मैंने अपनी टीम में इसलिए ले रखा है बिकॉज इट्स अ ड्यूल एक्सपीरियंस प्लेयर, ये डिफेंडिंग के साथ साथ मिडफील्डिंग भी करना जानता है। सब्स्टिट्यूट हो गया तो अलग बात है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं भी हुआ और अगर 60-70 मिनट खेलने के बाद सब्स्टिट्यूट हुआ तो भी क्लीन शीट के पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ए डोरेंटे की बात करूँ तो डोरेंटे इज़ ऑल्सो ए गुड प्लेयर, क्लीन शीट के बाद भी इतने अच्छे पॉइंट्स देना बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को। टी एम आई की बात करूँ, टी एम आई को एक मेन प्लेयर का दर्जा दिया गया है, मतलब दिया गया है। पहले ये 9 क्रेडिट्स का प्लेयर हुआ करता था, बट थोड़ा डाउनफॉल होने के कारण ये प्लेयर थोड़ा सा डाउन हो गया, जिस कारण इसके क्रेडिट भी घट गए। लेकिन कोई बात नहीं यार, प्लेयर उतार चढ़ाव चलता रहता है, गेम है यार। आगे से बात करूँ जेड गॉर्डन की, तो गॉर्डन भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। दोनों टीम्स एक से बढ़कर एक है। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आई थिंक इसका जवाब मैं आपको बिना, मतलब मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगवा पाऊंगा, मतलब बता नहीं सकता एग्जैक्ट। आगे से बात करूं मिडफील्डर की, जे थ्रोइसी को लूंगा। थ्रोइसी कई बार तो गोल करता है अनएक्सपेक्टेड मेगा टीम्स को, मेलबोर्न विक्ट्री, सीसीएम वगैरह, पीजी, मतलब पर्थ ग्लोरी, लेकिन हर टीम को एक गोल मारने की एबिलिटी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो जाता है कई बार। ए डी एम अंते की बात करूं तो ये प्लेयर भी बहुत बढ़िया है, एज अ लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर मैंने इसको अपनी टीम में लिया है। गोल करने के इतने सार नहीं है जितने कि असिस्ट के हैं, और असिस्ट पहले चाहिए होते हैं गोल से। तो मुझे लगता है कि डेमांते इज़ अ गुड प्लेयर फॉर अस। जी डॉरेंस की बात करूं तो ग्राहम डॉरेंस भी आज के मैच के अंदर चल सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छा नहीं करता, करता अच्छा है, अपनी टीम को जितवाने में बहुत सहारा रहता है इस प्लेयर का। तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, बी बैरिशा का लूँगा। बी बैरिशा वैसे इतनी फॉर्म में है नहीं, जिस कारण मैं इसको कैप्टन रख तो रहा हूँ, लेकिन रिस्क थोड़ा सा है, तो मैं आपको इसका सेफ चॉइस देता हूँ। एम ड्यूक की बात करूँ तो एज यू नो कि ड्यूक बहुत बढ़िया प्लेयर है, और इन दोनों टीम्स के बीच जो मैच हुआ था पिछला, तो ड्यूक उसमें भी फ्लॉप था। और बी कमाऊ की बात करूँ तो बी कमाऊ ने इस सीज़न के अंदर इस टीम के खिलाफ नहीं खेला, क्योंकि इसकी जगह खेला था अनदर प्लेयर के येबाओ या फिर बी इब्नी एलसी। तो मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, इफ यू वांट टू गो सेफ, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है आपके भाई का, मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा। मैंने बी बैरिशा को कैप्टन इसलिए रखा था क्योंकि थोड़ा रिस्क था, बट दिस कॉम्बिनेशन वॉज वेरी सेफ। तो ये मेरी टीम गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।